आज के टाइम पे बात अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हैशटैग की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आए दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग अलग अलग ट्रेंडिंग हैशटैग्स देखते हो। तो ये हैशटैग आपके लिए किस तरीके से काम कर सकता है एज अ बिगिनर, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो आपको किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो करने में हैशटैग हेल्प करते हैं और आपको बूस्ट करते हैं नए ऑडियंस तक पहुंचने में, उनको रीच करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, हैशटैग क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने जरूरी होते हैं, ये पूरी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ज्ञान और पैसा ये जो चैनल है, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, नेटवर्कर हो, अफिलिएट मार्केटर हो और बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, प्रो बनना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हैशटैग को समझते हैं और हैशटैग के सभी हिस्सों को एक एक करके क्लियर करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हैशटैग होते क्या हैं। हैशटैग को समझने के लिए आपको मेरा एग्जांपल समझना पड़ेगा। सपोज दैट आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों क्रिएटर्स हैं और लाखों ऑडियंस हैं। अब ये जो क्रिएटर्स हैं ये अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस बनाते हैं और जो ऑडियंस है वो भी अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। अब क्या होता है कि हैशटैग समझ लो कि एक कीवर्ड है। सपोज दैट आप बिजनेस देखना पसंद करते हो, आपको बिजनेस रिलेटेड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कंटेंट को देखना पसंद है, तो आप इंस्टाग्राम पे जहां पे डांस की वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, जहां पे फिटनेस की वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस बनाई जा रही है, तो आप कैसे पर्टिकुलर अपनी जो आप इन्फ्लुएंसर्स को देखना चाहते हैं उनको कैसे देख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो इंस्टाग्राम के सर्च बार में आप जाते हैं, आप वहां पे क्या लिखते हैं, बिजनेस कीवर्ड का यूज करते हैं या जो आप कंटेंट देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हैशटैग एक काइंड ऑफ कीवर्ड है जो कि आपको हेल्प करता है, आप जो रेलिवेंट कंटेंट देखना चाहते हैं या जो आप रेलिवेंट अपने से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को देखना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हैशटैग क्या है, हैशटैग एक कीवर्ड है जो आपको आपसे रिलेटेड रेलिवेंट कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में आपको हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं हैशटैग के फायदे क्या होते हैं। तो हैशटैग के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे, मैं अपना एग्जांपल बताता हूं, जब मैं यूट्यूब के ऊपर आया था तो आपको पता है यूट्यूब के ऊपर स्टार्टिंग में 1K 2K 3K व्यूज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, व्यूज इतनी जल्दी आते नहीं है, बट अगर आप रिलेवेंट हैशटैग यूज कर ले, सही तरीके का हैशटैग यूज कर ले, तो आपको क्या करता है वो रीच कराने में, कोई व्यूज दिलाने में हेल्प करता है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर भी, सपोज दैट आप इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, आप रील्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से हैशटैग यूज किया तो आप नई ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं, नए फॉलोअर्स तक पहुंच पाते हैं। तो बेसिकली हैशटैग का जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो उसकी रीच का होता है, कि आपको रीच बहुत ज्यादा मिलती है, इवन दो आपने नया नया एज अ बिगिनर अभी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट किया हो, ठीक है। दूसरा आपको हैशटैग से ये फायदा होता है कि जब बहुत सारी ऑडियंस आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स, ये सारी सभी चीज आपकी इंक्रीज होती है। इसके अलावा हैशटैग से ये भी फायदा होता है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, पर्टिकुलर जिस टाइप की आपकी ऑडियंस चाहिए उस टाइप के हैशटैग को यूज करके अपने कॉन्टेंट्स को उन्हीं लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। सो ये कुछ हैशटैग के फायदे होते हैं। अब हम तीसरा बात करते हैं कि हैशटैग कितने टाइप के होते हैं। सो हैशटैग के टाइप को समझने के लिए आपको वॉल्यूम एंड रेंज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको हैशटैग तीन टाइप के होते हैं। पहला जो हैशटैग जिसको बोला जाता है हाई वॉल्यूम हैशटैग, या इसको हाई रेंज का हैशटैग भी बोला जाता है। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं मीडियम रेंज का हैशटैग, या आप इसको मीडियम वॉल्यूम का भी हैशटैग बोल सकते हो। तीसरा जो होता है वो होता है लो रेंज का हैशटैग, यानी कि लो वॉल्यूम का हैशटैग भी इसको आप बोल सकते हो। सो अब हम बात कर लेते हैं हैशटैग की रेंज की, कि हैशटैग की रेंज क्या होते हैं। सो इसको समझने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे प्रैक्टिकली जाना होगा और करके देखना होगा, या आप लोगों ने जो लोग ऑलरेडी हैशटैग यूज कर रहे हैं आपको पता होगा कि जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम नीचे बहुत सारे सजेशन आपको दे देता है हैशटैग के। सो बेसिकली वो रेंज होती है। सपोज दैट आपको क्या करना है, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहे हो तो जैसे ही आप हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग लिखेंगे सो नीचे इंस्टाग्राम बहुत सारे आपको हैशटैग जो सजेशन में दे देगा, जो कि अलग अलग रेंज के होंगे, कोई 1 लाख रेंज का होगा, कोई 2 लाख का होगा, कोई मिलियंस का होगा, कोई 30K 40K इसके अराउंड होगा। सो बेसिकली ये रेंज होती है, मतलब हैशटैग के रेंज का मतलब है कि उस हैशटैग के ऊपर, उस पर्टिकुलर हैशटैग के ऊपर कितने लोग ऑलरेडी उसको यूज कर चुके हैं या कितने लोग उस हैशटैग से रिलेटेड पोस्ट डाल चुके हैं, ये रेंज को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया तीन टाइप के रेंज होते हैं हैशटैग के, लो, मीडियम एंड हाई। अब इसको कैसे समझेंगे,
ठीक है। सो लो रेंज के अंदर बेसिकली 1 लाख से जितने भी नीचे वाले हैशटैग होते हैं वो, जैसे कि आप सपोज दैट 20K से लेके 1 लाख जितने भी होते हैं इसको कंसीडर कर सकते हैं लो रेंज में। मीडियम रेंज में किसको कंसीडर करना है आपको, जितने भी 1 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच के होंगे वो सारे हैशटैग्स को आप मीडियम रेंज या मीडियम वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे। और जितने भी हाई रेंज वाले होते हैं, हाई रेंज को आप कंसीडर कर सकते हैं, जितने भी 5 लाख टू मिलियंस या इससे ऊपर के होते हैं वो सारे हाई रेंज में आते हैं। अब आपको किस तरीके से आप समझेंगे कि हाँ भाई मैं कौन से पर्टिकुलरली जो भी रेंज है मेरे लिए कौन सा रेंज मतलब सुटेबल होगा, मैं किस टाइप के हैशटैग को यूज करूंगा, तो ये आपको देखो पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि इंस्टाग्राम हमें अलाउ करता है कि 30 हैशटैग आप लोग यूज कर सकते हो एक पोस्ट के अंदर। 30 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपको 16 से लेके 20 हैशटैग आप अपने पोस्ट में यूज कर सकते हो और करना भी चाहिए इतना। मैं जितने भी पोस्ट डालता हूं ऑलमोस्ट में होते ही होते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, जब आप रील्स डालते हो रील्स के ऊपर आपको मैक्सिमम 3 से 4 या 5 हैशटैग यूज करने होते हैं, इससे ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करने होते। लेकिन जब आप पोस्ट डालते हो कुछ भी तो उसके ऊपर आप 16 से 20 हैशटैग यूज कर सकते हो। अब ये किस टाइप के यूज करने हैं आपको, देखो मेरे जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट को अगर मैं मिला लूं तो ऑलमोस्ट 15 से 16 हजार के आसपास मेरे फॉलोअर्स है। तो मैं क्या करता हूं, लो और मीडियम वॉल्यूम या रेंज है उसमें मैं ज्यादा प्ले करता हूं, उसमें ज्यादा हैशटैग में यूज करता हूं, हाई के बहुत कम हैशटैग में यूज करता हूं, ठीक है। और मेरी एक पोस्ट पे 16 से 20 हैशटैग होते ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं 16 अगर यूज करता हूं हैशटैग तो उसके हिसाब से मैं अपना डिफाइन कर लेता हूं कि लो में कितना मेरे को यूज करना है, मीडियम में कितना करना है, हाई में कितना करना है। हाई में मैक्सिमम 4 से 5 ही करता हूं, बाकी मैं लो और अपना मीडियम में डिवाइड कर लेता हूं। सो आपको अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा। सपोज दैट आपके जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जिनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर 1000 से नीचे हैं, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मैक्सिमम लो रेंज के जितने भी हैशटैग है वो यूज करना है, यानी कि 20,000 से लेके 1 लाख वाले रेंज के जितने भी हैशटैग है वो आप मैक्सिमम यूज करोगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाओगे मीडियम वाले में, मीडियम में यूज करोगे। और जो हाई वाले हैं एकदम यानी कि मिलियंस वाले वो इक्का दुक्का यूज करना, इससे ज्यादा यूज मत करना क्योंकि वहां पे आपकी पोस्ट कभी जाएगी ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होंगे तब तक आप हाई रेंज में प्ले नहीं कर सकते हो। सपोज दैट अगर आपके फॉलोअर्स 1000 से ऊपर है या 5000 के बीच में है या 5000 से 10000 में, तब आप लो थोड़ा सा कम रखोगे, मीडियम आप तब ज्यादा रखोगे और हाई वाला फिर भी आप कम रखोगे, ठीक है। लेकिन आपके अगर फॉलोअर्स 10,000 से ऊपर हैं और आपके फॉलोअर्स 20,000, 30,000 या 50,000 के बीच के हैं तब आप हाई में भी प्ले आराम से कर सकते हो, तब आपकी जो पोस्ट है वो हाई रेंज में भी जाके लोगों को दिखेगी। सो इस टाइप से अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग आपको हैशटैग यूज करना होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप 16 से लेके 20 हैशटैग को एक पोस्ट के अंदर आराम से यूज कर सकते हो। आपको डिवाइड करना रहेगा आपके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग लो में कितना यूज करना, मीडियम में कितना यूज करना और हाई रेंज में मेरे को कितना यूज करना है। अगर आपने सही से हैशटैग यूज कर लिया, कभी आप इनसाइट में जाके देख लेना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं बिगनर, वो देखते ही नहीं है कि उनकी जो पोस्ट है वो रीच करी है उसमें से, सपोज दैट आपकी एक पोस्ट है जो कि 5000 लोगों तक रीच करी है, तो 5000 लोगों में से कितने जो लोग हैं वो हैशटैग की मदद से आपकी इस पोस्ट पे आए हैं और कितने नए फॉलोअर्स है जो कि आपको हैशटैग की मदद से मिले। मैं हमेशा अपने चेक करता हूं, सपोज दैट एक मेरा जो स्टार्टिंग में एक मेरा पोस्ट वायरल हुआ था वो करीब 2000 के आसपास गया था। अब नए अकाउंट पे 2000 लाइक आना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 2000 लाइक जब गई थी तो मैंने उसमें हैशटैग चेक किया था, तो मैक्सिमम जो मेरे को लाइक्स आई थी, मैक्सिमम मेरे को जो करीब उसी पोस्ट से मेरे को 250 नए फॉलोअर्स आए थे, तो उसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा हाथ था वो हैशटैग का था, क्योंकि उस पोस्ट की जो रीच थी लाइक 2000 थे, रीच उसकी कम से कम 10 से 12 हजार की थी, तो कम से कम 6 से 7 हजार रीच मेरे को हैशटैग से मिल गया था। सो हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्यू इनसाइट में जाके भी आप हैशटैग चेक कर सकते हो कि भाई आपका हैशटैग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और टाइम टू टाइम सपोज दैट जो हैशटैग आपके लिए काम नहीं करता उसको आप 10 दिन में जाके एडिट पे जाके जो आप पोस्ट डालते हो उसको आप एडिट करके भी अपने हैशटैग को एडिट कर सकते हो। इससे क्या होता है, वो दोबारा पोस्ट नए लोगों तक आपका मतलब चला जाता है और आपके नए फॉलोअर्स दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी पोस्ट पे नए लाइक कमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से अपने हैशटैग को यूज कर सकते हो। सो अगर आपने हैशटैग को सही तरीके से यूज किया तो आपको बहुत सारे नए फॉलोअर्स, नए लाइक, नए कमेंट और टारगेट ऑडियंस बहुत सारी आपको मिल सकती है। अब पर्टिकुलरली मैं जो अफिलिएट मार्केटर्स हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट डालते हैं तो उनके लिए क्या सही हैशटैग होंगे जो मेरे लिए काम करते हैं। सो कुछ हैशटैग है जो कि आप यूज कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं 10 से 12 हैशटैग आप यूज कर सकते हो, लो और मीडियम वाले ही मैं आपको बता रहा हूं आराम से यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग, हैशटैग अफिलिएट मार्केटर, हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, ये सारे सभी आप नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में और जब आप पोस्ट करने जाते हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग
नेटवर्क मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो, हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, हैशटैग कुछ प्रोग्राम्स के आप नाम लिख सकते हो, जैसे लीड सार्क, बिज गुरुकुल, आप जिस भी कंपनी में उस कंपनी का नाम आप लिख सकते हो साथ साथ में। अगर आप इस टाइप के हैशटैग यूज करते हो तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग इस कंपनी में काम करते हैं या ऐसे हैशटैग यूज करते हैं उनके पास आपकी पोस्ट जाती है, आपके नए फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आपकी जो लाइक कॉमेंट्स है सारी चीजें और नए फॉलोअर्स भी आपके गेन होते हैं, ठीक है। सो आप जिस टाइप का पोस्ट डाल रहे हो उससे रिलेटेड भी हैशटैग आपको डालना होता है, और साथ साथ में आपको क्या करना है, कुछ नए हैशटैग भी बना सकते हो, अपना खुद का भी हैशटैग आप बना सकते हो। जैसे हैशटैग, अगर आपका नाम सौरभ है तो हैशटैग डिजिटल सौरभ करके ऐसा कोई आप हैशटैग क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत सारे क्रिएटर करते हैं ऐसा, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो आई होप जो भी मैंने हैशटैग से रिलेटेड जानकारी इतने कम समय में शेयर करी वो आपको पसंद आई होगी, डेफिनेटली इसको आप यूज करने वाले हो और जो भी मैंने बताया उससे आप फायदा लेने वाले हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने लीड जनरेशन के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उसको जाके जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं यूट्यूब पे वापस आ चुका हूं जैसे मैंने आपको बताया, और मैं बहुत सारे वैल्यूएबल और प्रीमियम कॉन्टेंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वो भी फ्री में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।